आसिफ, एसी नहीं चल रहा, प्लीज चेक कर लो, इतनी गर्मी हो रही है। यार उठ के देख लूंगा यार, संडे वाले दिन तो आराम करने दिया करो। अच्छा सुनो, वो हमारी बराबर वाली खातून है ना फरीदा, कल मुझे वो लिफ्ट में मिली थी, बातें करते करते अपने घर ले गई। अल्लाह मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इतना खूबसूरत घर था वासिफ, मैं तो देखती रह गई। उन्होंने सारी सेटिंग किसी बहुत बड़े इंटीरियर डिजाइनर से करवाई है। मैं सोच रही थी कि एक हमारा घर है, सारी सेटिंग हमने खुद ही की है। 3 लाख का तो सिर्फ सोफा रखा हुआ था। तुमने उनसे कीमत भी पूछ ली? नहीं, वो मतलब था अच्छा लग रहा था तो बस ऐसे ही पूछ लिया, लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछा था, इतनी अकल है मुझ में। हाँ हाँ बहुत अकल है, अगर अकल होती ना तो ये कंपैरिजन मत करी होती तुम। वासिफ, अब हम इस फ्लैट में मूव हुए हैं तो अपने स्टेटस का ख्याल रखना पड़ेगा। अब सोचो अगर कल को वो आएंगी हमारे घर तो वो क्या सोचेंगी, हमने कहीं से भी उठा के सामान रख लिया है। क्या बताऊंगी मैं उन्हें, कौन से इंटीरियर डिजाइनर से करवाया हमने ये? उनसे जाके कह देना कि मेरे जो हस्बैंड है ना वो बहुत बड़े इंटीरियर डिजाइनर है, ये सब डिजाइन ना उन्होंने ही किए। अब जाके ना मेरे लिए नाश्ता बनाओ, ज्यादा बातें मत करो मेरे सामने। जाके चेक करो इंटीरियर डिजाइनर, सोफे, दिमाग खाया हुआ है।